तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? स्टाइल कॉर्नर टाइटल से कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज का जो वीडियो है इज लाइक अ प्री प्रिपरेशन करवा चौथ ब्लॉग। तो इसमें जनरली मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करा है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और करवा चौथ के लिए आई डिडंट बॉट एनी साड़ी। मेरी जो 5 साड़ियाँ थी उसमें से एक साड़ी है जो अभी तक मैंने एक शादी में पहना था और उसके बाद उसको पहनी नहीं है, तो मैं वही साड़ी पहनने वाली हूँ। मैंने नई साड़ी परचेस नहीं करी है बिकॉज मैं वही साड़ियाँ पहन नहीं पाती हूँ, सो दैट्स वाई। और जो साड़ी मैंने एक दो ऑर्डर करी है वो अभी आई नहीं है, तो जब आ जाएंगी तब मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। कांजीवरम और सिल्क की साड़ी मैंने खरीदी है। और दूसरी चीज़, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है अर्बन क्लैप का। मैंने कभी भी अर्बन क्लैप का कोई भी प्रोसेस ट्राई नहीं किया है। दूसरा, मैं आप लोगों के साथ में अपना स्पा, जो बॉडी स्पा वाला एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। मैंने वो भी कभी नहीं करवाया है, सो वो एक्सपीरियंस आर माय फर्स्ट टाइम, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर इट विद यू। और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर करवा चौथ एज वेल। उसके बाद कल मुझे मेहंदी लगवाना है, हेयर कट करवाना है और कल मेरा अर्बन क्लैप होगा। तो आज मॉर्निंग मैं अपनी करवा चौथ में अपनी बॉडी को कैसे रेडी कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो यू नो, हम दोनों विक्की और हम लोग, जैसे कि मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ दैट वी आर टूवर्ड्स हेल्दी लाइफ स्टाइल, और हम लोग हर्बल आयुर्वेदिक चीज़ें ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी ये सब जूस वगैरह जो बॉडी के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं वो हम लोग ले रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में लेते हैं। सो लाइक 6-7 डेज पहले मेरे को इस ब्रांड ने कॉन्टैक्ट किया। दिस वीडियो इज़ बाई द वे कोलेबोरेशन विद कपीवा आयुर्वेदा। तो जब इन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, आई डिड माई होल रिसर्च विद द ब्रांड। डील करने से पहले मैं देखती हूँ सारी चीज़ें। तो जब मैंने सब पढ़ा उनके बारे में और उनके जो ओनर का वीडियो मैंने जब देखा जिन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया है, तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड और मैंने उनको हाँ किया। एंड देन उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट भेजा एंड आई एम ट्राइंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम लास्ट 6-7 डेज। एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई थी। उसके बाद जिस तरह के इसके अंदर चीज़ें मिली हुई हैं, जो इन्ग्रीडियंट्स मिले हुए हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई थी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट विथ यू। कपीवा आयुर्वेदा वीट ग्रास जूस, नेचुरल डिटॉक्सीफायर जूस मेड फ्रॉम फ्रेश वीट ग्रास नॉट एक्सट्रैक्ट। तो ये 1 लीटर का बॉटल है, 100% प्योर है, नेचुरल है और इसमें कोई भी एडिड प्रिजर्वेटिव शुगर नहीं है। इवन दिस इज फ्री फ्रॉम सिंथेटिक फ्लेवर एंड कलर। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है एंड लिटरली इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप गूगल करके देख सकते हो, आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। कुछ लोग लिटरली जो घर में वीट ग्रास उगाते हैं उसको कट करते हैं, उसका जूस बना करके पीते हैं। आपको पता हो तो ये कैंसर में बहुत फ़ायदा करता है वीट ग्रास जूस। कैंसर पेशेंट्स को ये दिया जाता है। तो अब लेकिन हम लोग इतना यू नो लगा के कट करके इतना मेहनत नहीं कर सकते ऑब्वियसली फॉर एक्स वाई जेड रीज़न। तो यू नो दिस, इस तरह के जो प्योर जूस होते हैं लेना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसमें लिखा हुआ ये नेचुरल डिटॉक्सीफायर जूस है, तो अगर आपकी बॉडी में से जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो सारे सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करने लग जाएंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा आपकी बॉडी पे आप जो भी खाते हो ना, सपोज आप सोचते हो कि हमने एप्पल खाया, आपने ये खाया वो खाया, बट किसी की बॉडी में वो लगता नहीं है, तो उसकी बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स होते हैं और उसकी बाउंड्रीज होती हैं जिसकी वजह से जो फ़ायदा करने होती है चीज़ों को वो फ़ायदा नहीं करती है, आपकी बॉडी पर लगती नहीं है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करें और उसके बाद आप चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी को वो लगेगा, वो न्यूट्रिएंट्स लगेंगे। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप डिटॉक्सीफायर ज़रूर लें मॉर्निंग में। आप कोई भी डिटॉक्सीफायर ले सकते हैं बट ये वीट ग्रास जूस जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। इवन आपको अगर एक्ने, पिंपल और स्कार्स है तो भी आप इसको ले सकते हैं बिकॉज आपकी पेट से रिलेटेड सब एक्ने, स्कार, सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो अगर आपका पेट ठीक होगा तो आपको एक्ने, स्कार्स, ये सब की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देन उसके बाद ये एंटीऑक्सीडेंट है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है, स्किन क्लेंजर है। इवन अगर आपका सोर थ्रोट है तो आप गार्गलिंग करोगे तो आपको उससे भी रिलीफ मिलेगा। मेरी जो चाची हैं उनको कैंसर था और उनको, मेरे को याद है मेरे चाचा जो है वो प्योर वीट ग्रास को कट करके उसका जूस डेली सुबह शाम देते थे उनको और उससे उनको बहुत बेनिफिट भी हुआ था। राइट नाउ शी इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड बट मैं आपको बता रही हूँ कि उससे तब के टाइम पर उनको बहुत फ़ायदा हुआ था, उनको बहुत पहले से कैंसर था। तो कैंसर पेशेंट को भी दिया जाता है। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि कोई चीज़ हो उससे पहले ही आप उसको लेना स्टार्ट कर दें।
ये है बॉटल और हम लोग ऑलरेडी आपको दिख रहा है ये पूरी फुल आई थी और हम दोनों, विक्की भी ले रहा है, मैं भी ले रही हूँ, इवन हम लोग ये बंद करके अभी ये ही जूस ले रहे हैं सिर्फ। और 30 ml इसको मॉर्निंग में खाली पेट अगर आप लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप वैसे भी ले सकते हैं, बट आई वुड प्रिफर यू कि आप सुबह उठते से ही इसको आप ले लीजिए। तो यहाँ पर कैप भी दिया हुआ है फॉर मेजरमेंट, तो अभी मैं सुबह, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं सो करके उठी हूँ, और 30 ml ही थोड़ा सा पानी में आप इसको पी सकते हैं। ये वाला जो कपीवा का जो वीट ग्रास जूस है, इसमें विटामिन एंड मिनरल्स भरे हुए हैं और ये 17 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, फुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर कोई भी एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिले हुए हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इन जनरल अपनी लाइफ स्टाइल में वीट ग्रास जूस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसकी जो परचेस लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी, फिर एनी केस यू वांट टू परचेस इट। अभी जब मैं स्पा के लिए जाऊँगी तो मेरा अपॉइंटमेंट है 3 बजे का, और 3-4 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है, तो जब मैं जाती हूँ तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन बाय। तो अब जो आप क्लिपिंग देखेंगे वो मेरे मोबाइल से देखेंगे, बिकॉज मैं कैमरा कैरी नहीं कर रही हूँ, स्पा सेंटर में लोग डर जाएंगे अदरवाइज। सो यस, लेट्स गो। एंड इट माइट पॉसिबल कि मेरी जो क्लिपिंग्स हैं वो थोड़ी सी शेकी शेकी सी रहेगी, सो प्लीज बेयर विद मी। spa and now and also I took shower as well, तो मैं फटाफट से निकलती हूँ because मेरी dance class start होने वाली है। so I'll meet you थोड़ी देर बाद, मैं properly आपको review करूँगी कि कैसा मेरा experience रहा है यहाँ का, so yeah stay tuned for that। Hi guys, तो कल मैं जब spa करवा के आई ही कुछ ऐसा incidents हो गया था हमारे घर पर, तो मैंने कुछ भी share नहीं किया video वगैरह, और मैं रात में भी कुछ video shoot नहीं कर पाई थी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। विक्की वुड नॉट लाइक टू कम इन द वीडियो, या मैं थोड़ा सा उसको बता दूंगी, नाउ ही इज़ वेरी फाइन। तो एक्चुअली क्या हुआ था, कल विक्की ने वर्क फ्रॉम होम किया था और ड्यू टू सम रीजंस, और जब वो गाड़ी से आ रहा था तो बाइक भी है हम लोगों के पास, तो जब आसपास जाना होता है तो वो जनरली बाइक से ही जाता है, कार नहीं निकालता है अगर सिंगल जाना होता है तो। तो विक्की का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, और जो एक्सीडेंट हुआ उसमें उसकी गाड़ी किसी से नहीं, साथ नहीं हुआ था, उसकी गाड़ी स्किट हो गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि विक्की के हाथ में जो सब्जी वाला जो झोला होता है, जूट बैग था, वो उसके हैंडल पे टंगा हुआ था, एंड थैंकफुली ही वॉज वेयरिंग हेलमेट, और वो जो झोला है वो हवा की वजह से खाली था, तो वो उसके फेस पे आया। जैसे ही उसके फेस पे आया तो उसने लेफ्ट साइड करने का सोचा, और सोचा मैं ब्रेक लगा के रोक लेता हूँ गाड़ी। तो जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, रोड थोड़ी सी खराब थी, तो गाड़ी स्किट हो गई। जब वो स्किट हुई तो थैंकफुली उसका जो हेलमेट है उसकी वजह से उसका सर जो साइड में टेम्पो था उससे हल्का सा थोड़ा सा टकराया था, एंड हाथ के बल वो गिरा, राइट हैंड के थ्रू वो गिरा, पूरा वेट उसका राइट हैंड पे आया। और तो जो राइट हैंड है उसमें यहाँ पर की जो बोन है वो थोड़ा सा माइनर फ्रैक्चर आया है। जब वो आया घर ना, तब उसने मुझे बता दिया था, एंड तब उसको इतना पेन भी नहीं हो रहा था, वो आराम से अपना बैठा था, हाथ वाथ सब चल रहा था, सब कुछ था, मतलब हल्का सा पेन हो रहा था बट बहुत पेन नहीं हो रहा था। देन उसके बाद विक्की बोलता है आई एम ओके, बस थोड़ा लग गई है, ये हो गई है, तब भी मैं थोड़ी टेंशन में आ गई थी, तब मैं अपना जो स्पा है वो करवा के आ चुकी थी, तब की बात है ये, और तब मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी। एंड देन फिर उसके बाद रात में शाम, जैसे जैसे शाम होती गई, 6 बजे उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ही कांट एबल टू मूव हिज हैंड इवन, मतलब इतना ज़्यादा पेन हो गया था। और मुंबई में ये सिस्टम है, क्योंकि मैं किसी डॉक्टर्स को जानती नहीं हूँ, तो मुंबई में ये सिस्टम है कि आपको यू नो एक दो दिन पहले नंबर लेना पड़ता है, जनरली ऑन द स्पॉट उसी टाइम देखता, बहुत कम डॉक्टर्स हैं। तो प्रैक्टो करके एक ऐप आती है, आई एम सो थैंकफुल जिसने भी वो ऐप बनाई है, वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप भी किसी नई सिटी में मूव करते हैं ना, मेक श्योर कि आप वो डाउनलोड करें, उसमें सारे डॉक्टर्स की लिस्ट और नंबर्स, एंड आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो उसमें मैंने टुडे वाला स्लॉट देखा और एक दो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी लिटरली फ़ोन करके कि आप प्लीज़ देख लीजिए, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो बैठ नहीं पा रहा है। और करीब 7 o'clock पे मैं विक्की को लेकर के गई हूँ डॉक्टर के पास, 7:30 पे हम लोग गए हैं, एंड थैंकफुली उन डॉक्टर के पास एक्सरे वाला अवेलेबल था, तुरंत एक्सरे भी हो गया, एक्सरे की रिपोर्ट तुरंत आ गई, एंड रिपोर्ट में पता चल गया था कि येस ही हैज़ अ माइनर फ्रैक्चर, इट्स नॉट अ मेजर फ्रैक्चर थैंकफुली। और फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों को जो PVC वाली जो बैंडेज होती है वो विक्की को लगा दी है, एंड फिर हमने आकर के घर पे बताया। मैं तब भी सुबह भी घर पे, दिन में जब ये हुआ था
चार साढ़े चार बजे के अप्रॉक्स जब मैं घर पे बताने वाली थी, बट विक्की ने मना कर दिया कि नहीं अभी घर वाले क्या कर लेंगे बता करके भी। फिर मैंने सोचा ठीक है जब आ जाते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं फिर हम लोग घर पे बताएंगे। फिर दोनों के घरों पे वीडियो कॉल लगाया गया एंड फिर उसके बाद मैंने इंस्टा पे ये चीज़ बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैं बहुत अपसेट हो गई थी बट फिर घर वालों से बात कर लिया, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है 15 डेज में वो ठीक हो जाएगा, तब नाउ आई एम नॉर्मल। एंड विक्की ने बहुत अच्छा खासा करवा चौथ गिफ्ट दिया है मुझे, बट थैंकफुली मैं आप सब लोगों को बोलूँगी अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं मेक श्योर कि आप हेलमेट ज़रूर पहने। हेलमेट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। हम पुलिस वाले हमको टोकते हैं हम सिर्फ तब पहन लेते हैं, बट इन जनरल हेलमेट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं विक्की को आपको दिखाती हूँ, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? आई एम हैप्पी। So he's happy and fine, doing well. बस हाथ में इस तरह से बैंडेज लगा हुआ है जो कि 15 डेज तक हमको रखना है और बस तो ऐसा है। और अभी जो अर्बन क्लब, पहले मैं इतनी ज्यादा अपसेट हो गई थी कि आई वॉज लाइक अरे यार ये क्या है वो फलाना डिमकाना, मैंने अर्बन क्लब वाला सब कैंसिल करवाने वाली थी। देन ही टोल्ड मी एंड यू नो जिन लोगों से मैं बात करती हूँ बोलते ठीक है बैक टू नॉर्मल वो सब सही है क्या ठीक है। तो यू नो अभी मैं अर्बन क्लब वाला ट्राई करने वाली हूँ, तो वो जो मेरी अर्बन क्लब वाली बंदी है वो 12:30 का मैंने स्लॉट बुक किया था। तो यस, और थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे मैंने सिर्फ एक छोटा सा पोस्ट डाला था एंड ट्रस्ट मी द लेवल ऑफ विशेज आई एम गेटिंग, इतने सारे लोगों ने स्पीडी रिकवरी विक्की के लिए लिखी है, इतने सारे लोगों ने विशेज लिखा है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे जो लोग मुंबई में रहते हैं उन लोगों ने तो मुझे ये तक बोला है कि दीदी हम यहाँ रहते हैं कोई भी ज़रूरत हो तो हमको बताइएगा ये वो। सो आई एम सो हैप्पी कि मेरी एक और फैमिली है जो बहुत ध्यान रखती है हम लोगों का और हम लोगों के बारे में इतना सोचती है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी जब अर्बन क्लब वाला रिव्यू, हाँ अब मैं आपको कल का रिव्यू बताती हूँ स्पा का। तो जो स्पा का रिव्यू था वो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड दैट वाज रियली गुड, क्योंकि जब मैं स्पा से आई तो ये सब कांड हो गया था तो मेरे बॉडी का जो भी रिलैक्सेशन था वो वापस से मैं वैसी हो गई थी। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको रिव्यू दे भी नहीं पाऊंगी कि मुझे कैसा फील हुआ। करा देना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बट उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। तो यस, और आज मुझे मेहंदी भी लगवाना है, एक हाथ में तो मैं खुद ही लगाऊंगी और एक हाथ में मुझे लगवाना है। मैंने सब रिंग्स वगैरह सब कुछ निकाल दिया है क्योंकि वो भी आएगी, तो मैंने मैनीक्योर पेडीक्योर एंड फेशियल बुक किया है। फेशियल भगवान बस इतना है कि वो फेशियल से मेरे को कुछ रिएक्शन ना हो बिकॉज मैं फेशियल इसीलिए नहीं करवाती हूँ बिकॉज आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन। और मैनीक्योर पेडीक्योर मैंने सिर्फ शादी के टाइम पे कराया था, उसके बाद मैं कभी करवाई नहीं हूँ, बट जस्ट फॉर द यू नो मसाज वगैरह होगा एंड प्रॉपरली पैम्परिंग होगा तो दैट्स वाई आई एम डूइंग दैट। तो या लेट्स गो, और वो जब आएगी तब मैं रिकॉर्ड करूँगी। अभी आई डेंट टेक अ शावर एज वेल क्योंकि वो सब करवाने के बाद ही फिर मैं प्रॉपरली शावर लूँगी, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब वो आ जाती है उसके बाद थोड़ी देर में। टिल देन बाय। आ गई है मेरा करवा चौथ सेलिब्रेट करवाने। हाँ चलो हे गाइस, तो मेरा जो अर्बन क्लब का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैंने डी टैन फेशियल करवाया था और मैं यूजुअली फेशियल्स कराती नहीं हूँ, छोटा सा मुझे एक पिंपल है यहाँ पर जो कि पहले से ही आ रहा था मुझे, तो ऐसा नहीं है कि वो फेशियल की वजह से आया है। बट एज यू कैन सी माई स्किन इज लिटरली ग्लोइंग, अभी तक कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया जब से मैंने फेशियल करवाया है एंड माई स्किन फील्स रियली गुड एंड इट इज़ ग्लोइंग एक्चुअली। उसके बाद मैनीक्योर पेडीक्योर कराया था, तो मैनीक्योर जो मैंने करवाया था वो अगेन डी टैन करवाया था और जो पेडीक्योर करवाया था वो नॉर्मल बबल वाला करवाया था। तो बहुत एक्सपीरियंस इज गुड, मुझे ऐसा लगता है पार्लर से ज़्यादा सस्ता पड़ा मुझे। और
जिस पार्लर में मैं जाती हूँ वहाँ से तो डेफिनेटली मुझे बहुत सस्ता पड़ा और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और वहाँ के बाद मैं मेहंदी लगाने के लिए गई थी, तो उसकी क्लिपिंग मैं अभी इंसर्ट कर दूंगी। एंड दिस इज़ माय मेहंदी जो उन्होंने लगाई है, ये 300 में उन्होंने मुझे आगे और पीछे लगाई है। एंड पीछे तो काफ़ी प्रिटी सी लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सूख चुकी है तो मैं इसको हटा करके अपना यहाँ पर लगाऊंगी और थोड़ी सी पैर में लगाऊंगी, तो मैं खुद ही लगाने वाली हूँ। सो अभी रात हो चुकी है, खाना वाना खा करके हम लोग फ्री हो चुके हैं, मेरा डांस क्लास भी था वो ख़त्म हो चुका है छोटे बच्चों वाला, तो मैं फटाक से मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी जस्ट मैं मेहंदी लगा रही हूँ और ये मैंने मेहंदी लगा ली है, आगे साइड पूरी मेहंदी लगा ली है और अब मैं पीछे लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरा कोन ना बहुत ही गंदा चल रहा है तो इसलिए इतनी अच्छी लग नहीं रही है, तो मैं मोटी मोटी लगा रही हूँ जैसा भी है। और ये वाला पार्ट मैंने पूरा छुड़वा दिया है और अभी बज रहा है 10, तो आई एम होपफुली 11-12 बजे तक ये मेहंदी सूख जानी चाहिए। और कल मैं अलग से करवा चौथ वाला वीडियो जो है वो शूट करूंगी। एंड आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं खत्म करती हूँ। आई होप यू लाइक माय वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।